बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने प्यारों के साथ महफूज रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा व्लॉग फ़र्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेकिन अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। तो जी, सबसे पहले तो मैंने कुछ नाम लेने हैं इस वीडियो में, और वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा वीडियो किस बारे में है। तो नाम जो मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो नाम लेना है वो है हुरैन बलोच का, और मुझे कहा हुआ था इकरा ने, तो इकरा मैंने आपका नाम ले लिया। इकरा मेरी सिस्टर का भी नेम है, मैं हर वक्त लेती रहती हूँ। और ब्यूटी विद हमना, ये जो आप अभी अपने सामने देख रहे हैं, ये चैनल ज़रूर विज़िट करें आप, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो इनका चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जी, मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है इकरा और सऊदी अरेबिया में रहती हैं, वो भी व्लॉगर हैं। उन्होंने मुझे कहा हुआ था उनके चैनल का नाम लेना है, तो इंशाल्लाह मैं उनके चैनल का स्क्रीनशॉट नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगी। और क्योंकि मुझे कमेंट पिन करना होता है ना, तो कमेंट पिन तो मैं किसी एक इंसान का कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर ब्यूटी विद हमना का नाम ले लिया है। वो कमेंट करेंगी तो मुझे उनका कमेंट पिन कर दूंगी, इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में इकरा का नाम लूँगी, जो कि व्लॉगर हैं सऊदी अरेबिया से। और जी, अब भी यह है कि सऊदी अरेबिया में रहती हैं, है वो पाकिस्तानी। अच्छा जी, तो अभी यह ड्रेस जो आप अभी अपने सामने देख रहे हैं, ये मैंने ईद के लिए सिलेक्ट की है। एक्चुअली मेरे पास काफ़ी सारी न्यू ड्रेसेस होती हैं, मेरी आदत है मैं ड्रेसेस ले कर रखती हूँ, कलेक्ट करना अच्छा लगता है मुझे। हर किसी की अपनी अपना एक शौक़ होता है, तो मेरा ये है न्यू ड्रेसेस लेना, लेते रहना। बाइक एक होती है ऑलरेडी है, दूसरी जब जाऊंगी, जब भी मैं शॉपिंग करने जाऊंगी कोई ना कोई ड्रेस लेके आऊंगी। हर किसी के अपने शौक़ होते हैं, तो मेरा इसमें से ये शौक़ है कि जब भी मैं जाती हूँ शॉपिंग करने तो मैं कोई ना कोई ड्रेस लेके आती हूँ। और काफ़ी सारी मेरी ऐसी ड्रेसेस हैं जो मैंने अभी तक नहीं पहनी, तो इस ईद पर मैंने सोचा उनमें से तीन मैंने सिलेक्ट की हैं, और जो कि इन तीनों में से एक सिलेक्ट करूँगी जो मैं अब फर्स्ट डे पर पहनूँगी, और उसके साथ अगर इसमें से कोई भी ड्रेस पहनूँगी और उसके साथ मैं क्या पहनूँगी वो भी मैंने शेयर किया है यहाँ पर। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने पहले इस ड्रेस का दुपट्टा दिखाया और ट्राउज़र दिखाया जिस तरह की इस पर डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, और फिर ये इसकी शर्ट है। और जी, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, जिसका ये स्क्रीनशॉट चल रहा है, पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं पहनती। ऊपर से गर्मियाँ भी हैं और गर्मियों की ईद है, तो गर्मियों में ईद है, गर्मियों की ईद नहीं है, गर्मियों में ईद है, तो किधर से हैवी ड्रेसेस पहने जाते हैं। और जी, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो बैंगल्स आप लोगों को दिखाई थी, जो गोल्डन कलर की थी, वो मैंने इसके साथ पहनी है, और ये झुमके पहनने हैं अगर मैंने ये ड्रेस पहनी तो। और अगर मैंने ये ड्रेस पहनी तो इसके साथ क्या पहनना है मैं दिखाती हूँ। और तीन ड्रेसेस मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँगी, लेकिन पहननी मैंने एक है, तीनों दिन नहीं पहनी, ईद के सिर्फ फर्स्ट डे पे पहनी है, इसमें से कोई एक पहनूंगी, और वो उस दिन जब मैं व्लॉग शेयर करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी ड्रेस पहनी है मैंने इन तीनों में से। तो जी, ये भी लॉन फैब्रिक पे है और बहुत ही अच्छा इस पर काम हुआ हुआ है, लेकिन मुझे एक इसका थोड़ा सा है कि इसका गला काफ़ी सिंपल है। वैसे तो मैं सिंपल ड्रेसेस ही ज़्यादा पहनती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इसका गला थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल है। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल सिंपल है। इसके दामन पे काम हुआ हुआ है और इसके आस्तीनों पे काम हुआ हुआ है। और जी, इसकी शिफॉन की आस्तीनें हैं, लेकिन ये सामने साथ इसके नेट का ये इसके साथ ये लगा हुआ है, और ये इस तरह की इसके दामन पे डिज़ाइनिंग हुई हुई है। साथ में इसकी ब्लैक शलवार है, और जो कि मैंने ट्राउज़र बनवाया है इसका, थोड़ा सा लूज ट्राउज़र, लेकिन जो पहले ड्रेस दिखाई था उसका थोड़ा सा नॉर्मल है, ये थोड़ा सा लूज़ ट्राउज़र है। और ये ब्लैक लॉन फैब्रिक में है ये ड्रेस, आस्तीनें इसकी शिफॉन की है, नेट का इसके ऊपर काम है, दुपट्टा इसका नेट का है, मैं दिखाती हूँ दुपट्टा इसका। ये इसकी इसके साथ मैंने बैंगल्स पहनी है, और ये इसके साथ एयररिंग्स पहनी है सिल्वर, और दुपट्टा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, एयररिंग्स में मेरे पास तो एक झुमके हैं, ये चॉइस है, और दूसरी चॉइस ये है जो कि ये सिल्वर रिंग एयररिंग्स जो होती हैं, और ये झुमके। लेकिन मेरा इरादा है झुमके पहनने का, वो रिंग टाइप जो एयररिंग्स होती हैं वो इतना नहीं है इरादा मेरा पहनने का, अगर मैंने ये ड्रेस पहनी तो। और ये इसका दुपट्टा है, नेट का दुपट्टा है ब्लैक। अच्छा, मैं ज़्यादातर ड्रेसेस लेती हूँ तो मैं उनके दुपट्टे सबसे पहले देखती हूँ, हर किसी के अपने शौक़ होते हैं, मेरा भी शौक़ है। वैसे भी ड्रेसेस लेने का बहुत शौक़ है, तो उसमें
ये इसका कॉम्बिनेशन है और ये ड्रेस है, मैंने पूरी दिखाई आपको। और ज्वेलरी मैं इतनी ज़्यादा नहीं पहनती, तो जी मैं बैंगल्स पहन लेती हूँ या फिर झुमके वगैरह पहन लेती हूँ, लेकिन मैं हैवी ज्वेलरी ईद पे नहीं पहनती। आज आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर महसूस हो रहा हुआ होगा, अगर आपने हैंड फ्री लगा के मेरी वॉइस सुन रहे हैं, अगर ये वॉइस ओवर सुन रहे हैं आप हैंड फ्री लगा के, तो आपको थोड़ा सा शोर महसूस हो रहा होगा, क्योंकि फिर मैंने अक्सर ऐसा होता है मैं फ़ैन ऑफ़ कर देती हूँ या फिर ओके के वॉइस क्लियर है, लेकिन आज मेरा दिल नहीं था फ़ैन ऑफ़ करके बात करने का, आराम से मैंने कहा बैठ के बात करती हूँ। और आज मैं बोल भी थोड़ा सा ऊँचा रही हूँ, बस मूड की बात है। खैर छोड़ो जी। अच्छा जी, तो ये ड्रेस जो अभी आप अपने सामने देख रहे हैं, ये थर्ड ड्रेस है। इनमें से कोई एक ड्रेस मैं फर्स्ट डे पे पहनूंगी, और ये इसका दुपट्टा है, लॉन फैब्रिक में है ये भी ड्रेस। और ये मैंने ली थी तारिक रोड से ली थी मैंने, इसकी ना ऊपर टैग लगा है ड्रेस के ऊपर, मैं दिखाती हूँ ये मैंने ली कहाँ से थी, शॉप का नाम लिखा हुआ है मेरे ख्याल से ऊपर, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ से ली थी ये। और इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है, रेडीमेड ड्रेस थी ये, इसको थोड़ा सा सही करना पड़ा है मुझे। अच्छा, अक्सर मेरी वीडियो पे कमेंट आता है कि कहाँ से बिलोंग करती हूँ या कहाँ रहती हूँ, इस तरह के जो सवाल होते हैं ना आपके, इस तरह के सवालों के जवाब मैं कमेंट में नहीं करती, क्योंकि इसके लिए क्यू एन ए मैं करूँगी, क्यू एन ए वीडियो जब बनाऊँगी ना क्वेश्चन आंसर के रिलेटेड, तो फिर आप इस तरह के सवाल आप कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उसका आंसर मैं वीडियो में दूँगी प्रॉपर, जो भी आपके इस तरह के सवाल होंगे जी। तो इससे पहले जो मैंने आपको ड्रेस दिखाई, उसकी शर्ट पे, उसके गले पे कोई काम नहीं हुआ हुआ था, उसकी शर्ट पे दामन पे हुआ हुआ था काम, मैंने आपको दिखाया, इसके एक गले पे काम हुआ हुआ है। और मुझे इस तरह की ड्रेसेस अच्छी लगती हैं जिनके गले पे डिज़ाइनिंग हुई हुई हो। और ये तकी सन्स से मैंने ली थी, तकी सन्स शॉप है तारिक रोड पर, वहाँ से मैंने ली थी ये। रेडीमेड शर्ट्स, रेडीमेड ड्रेसेस होती हैं उनके पास। अच्छा, इस ड्रेस के साथ मेरा इरादा है ब्रेसलेट पहनने का, और ब्रेसलेट यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकी, मैं भूल गई थी, और जबकि मेरे पास ही पड़ा था। ये वॉच भी पहननी है मैंने, ये सोचा है कि ये ड्रेस पहनूंगी तो इसके साथ ये वॉच पहनूंगी, और ये इसमें से कोई भी टॉप्स पहनूंगी, तो एक कैजुअल लुक रखना है मैंने। तो जी ये तीन ड्रेसेस थी जो मैंने आपको दिखाई। रमज़ान बहुत जल्दी जल्दी गुजरता जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा, बहुत जल्दी जल्दी टाइम गुजर रहा है। पूरा साल इंतज़ार करते हैं इस मंथ का, और जब ये मंथ आता है तो चुटकियों में गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता इस मंथ का, वाकई में पता नहीं चलता कि रमज़ान का महीना बहुत जल्दी गुजर जाता है। अच्छा, एक बात बताऊँ आप लोगों को, ऐसा फील होता है, हम लोग ऐसा समझते हैं कि जो शख्स बहुत ज़्यादा बोलता है और फ़ौरन से बोल जाता है, वो बड़ा कोई ताकतवर है, वो बोल के अपना बदला ले लेता है। लेकिन यकीन करें, हमें बोलने में इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती जितना बाज़ औकात हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे मामलात होते हैं हमें चुप रहने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। बोलना आसान है, चुप रहना मुश्किल होता है, और वाकई में चुप रहना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता नहीं होता कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, कहाँ चुप रहना है, क्योंकि बहुत सारे मामलात लाइफ में ऐसे आते हैं कि हम लोग नहीं कर पाते बर्दाश्त और बोल देते हैं जो दिल में होता है, उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं हमें जो भी हो रहा होता है, कि क्योंकि ज़बान से अदा की हुई बात वो वापस नहीं आ सकती, और सामने वाले को वो रहता है कि आपने ये चीज़ बोल गया, आपने ये गलत कहा। तो बोलने के लिए ज़ोर नहीं लगता, चुप रहने के लिए बहुत ज़ोर लगता है। ये ज़िंदगी में आज़माया है मैंने, और देखती भी हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ कि जब मैं चुप रहती हूँ तब लगता है ज़ोर, बोलने पे ज़ोर नहीं लगता। और हकीकत है यार, आजकल का दौर ऐसा है, लोगों को जो दुख है, लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं होते जितना दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं जी। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आप लोगों को कामयाब नहीं देख सकते होंगे, कामयाब देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते होंगे, और इवन जो लोग आप लोगों को कामयाब देखते हैं और वो सिर्फ कामयाबी की चमक को देखते हैं, वो ये नहीं देखते इस इंसान ने कामयाब होने में, अपने मकसद को पूरा करने में, अपना जो एक गोल था लाइफ का या किसी चीज़ का, उसको पूरा करने में कितने अंधेरे देखे होंगे, कितनी मेहनत की होगी, कितना कुछ किया होगा, कितने लोगों की बातें सुनी होंगी, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लोग ये नहीं देखते, बस जब आप कामयाब हो जाते हैं या फिर जब आपको जो चीज़ चाहिए होती है, कामयाबी या कुछ भी जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, लोग बस उस चीज़ को देखते हैं कि वाह यार, इसके पास तो ये है, मतलब क्या,
ये नहीं देखते कि इस बंदे ने उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, वो लोग नहीं देखते। खैर जी, आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।